इंट्रोडक्शन दूंगा, आइस मरे दूंगा, है ना। वेडनेसडे को से आइस मरे टॉपिक जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे जीओसी इम्पोर्टेंट था ऐसे ही आइस मरे, सही ना, ऐसे ही आइस मरे भी इम्पोर्टेंट है। अभी आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बेंजाइन। देखो बेंजाइन के अंदर कार्बन की, एक तो पूछा जाता है बेंजाइन ये है कंपाउंड, ये एरोमेटिक है कि नहीं है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? एसपी SP2 टू SP2 एसपी टू SP2 ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नीट में, आईआईटी में, इसमें कहीं भी पूछ सकते हैं, एसपी टू हाइब्रिडेशन है। दूसरा क्वेश्चन है, ये हाईली अनस्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, सही है, चलिए ये क्या है, हाईली अनस्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा अब इसके अंदर एक तो ये दो बातें जरूर ध्यान रखना, चाहे कुछ याद रहे जाना है ये जरूर याद रखना। अब यहाँ पे डिटेल भी स्टार्ट होंगी इसकी, और ये इतना अनस्टेबल है, इतना अनस्टेबल, दो मॉलिक्यूल इसके कंबाइन होकर के ना एक और कंपाउंड बनाते हैं जो अनस्टेबल होता है, और उसको भी मैंने हाईली अनस्टेबल कहा था, लेकिन ये बेंजाइन जो है उससे भी ज्यादा अनस्टेबल है, ये बना देता है। कैसे बनाता होगा? बहुत सिंपल तरीका है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। कैसे बनाता है वो बहुत सिंपल है, ये इस तरीके से, ये लिया बेंजाइन, ये लिया दूसरा बेंजाइन, जस्ट सामने इसकी मिरर इमेज, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और दोनों ज्वाइन करके क्या बांधेंगे सर ये, बोलो सर सर बहुत विजिबल नहीं हाँ हो बोलो, रहा, वो डिजिबल नहीं हो रहा। एक मिनट, और किसी के साथ दिक्कत आ रही है? नो सर। ये किसको नहीं, ये किसको, शिवम को दिक्कत आ रही है? सर ईशांत ईशान अब देख, अब तू यार रीज्वाइन कर, क्या पता विजिबल हो जाए, फिर समझ एक सीन करता हूँ। रही है? हाँ, बेंजाइन इतना अनस्टेबल कंपाउंड है, बेंजाइन इतना अनस्टेबल कंपाउंड है कि ये एक और अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जो इससे ज्यादा स्टेबल है, जो इससे ज्यादा स्टेबल है, सही है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन के दोबारा सुन लेंगे एक बार। एक तो क्वेश्चन ये आता है, बेंजाइन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, हमें दिख रहा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर भी जो हाइब्रिडेशन है हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, एसपी टू एसपी टू एसपी टू। दूसरा ये एरोमेटिक है, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा बेंजाइन इतना ज्यादा अनस्टेबल है डैट इट डाइमराइजेस, डैट सच डैट इट डाइमराइजेस टू फॉर्म एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, तुमको दिख रहा होगा सर्कल किया हुआ मैंने, ये एंटी एरोमेटिक है, क्या मानता है, ये हाईली अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये दो बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर, सही ना, ये दो बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट, सर, सर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, बेंजाइन से। बेंजाइन से ज्यादा स्टेबल है, यही तो बता रहा हूँ यहाँ पे, कि बेंजाइन इतना अनस्टेबल है दैट इट अफोर्ड्स टू फॉर्म हाईली इवन अनस्टेबल कंपाउंड लाइक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बात की ना इसने, मैंने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजाइन से कुछ स्टेबल ज्यादा है, सही है। हेलो ओके सर, अभी ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, हर्षित तू इतनी लेट ज्वाइन करता है हमेशा, और तू एक्सक्यूज देगा, नेटवर्क नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा तू, अब नहीं तो आने को बोला, तू आया नहीं मेरे अरे पास। सर पानी से भर जाता ना, इससे देर से नहीं आया, मैं अभी आऊंगा सर को टेस्ट देने आऊंगा, शैलेंद्र सर को ना, तब आपको अपने सही है, वो तो होमवर्क भी अब दिखा दूंगा। तूने जो स्टार्टिंग की दो तीन लाइनें मिस कर दी है, खुद देखियो तू, वो ये स्टार्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था नीट और आईआईटी मेंस के लिए, वो तूने मिस कर दिया है।
नेक्स्ट राउंड करेंगे। प्रिपरेशन तो मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ है इसकी। बेंजाइन ठीक की। अब है प्रिपरेशन इसकी, प्रिपरेशन इसकी कैसे होगी? देखो, अगर जैसे मैंने लिया कंपाउंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया और इसमें मैंने डाला एक्वस एनएच, एक्वस एनएच, तो इधर रिएक्शन होगी क्या बनेगा, भी विजिबल नहीं हो रहा। क्या बनेगा इसमें? जाएगा सील की जगह वोच कह रहे हो, गलत आंसर। किसने बोला ये, किसने बोला आंसर? रश्मि, सर। यस सर। गलत आंसर बिल्कुल। इसमें नो रिएक्शन आएगा, रीजन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस की वजह से सीसीएल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? ये रिएक्शन नहीं होगी, सीसीएल बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ गया? डालोन करेक्टर, तो नो रिएक्शन। इसलिए हम करते हैं यहाँ पे ड्रास्टिक कंडीशंस, यहां करेंगे ड्रास्टिक कंडीशंस। क्लोरोबेंजीन था, एनएच 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेयर, ये टेम्परेचर रखते हैं, और ये प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, कभी भूल जाओ, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी भूल जाओ तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रख देना। अब जाके रिएक्शन हो जाएगी, अब रिएक्शन होगी, सही ना? बेस डला है, बेस बेस हटाएगा पहले इसके साथ वाले एक्टिव हाइड्रोजन को, यहां से ये इसने हटा दिया इसको, ये आया नेगेटिव चार्ज, और सीएल यहां पे है, सीएल यहाँ पे है। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और ये सीएल बाहर, और ये बन गया यहाँ पे बेंजाइन। ये बन गया बेंजाइन, और ये जनरली क्या होगा, स्लो स्टेप में बनेगा ये, जनरली बनता है स्लो स्टेप में, ये जनरली बनेगा स्लो स्टेप के अंदर, ये ध्यान रखना इसका। फिर तुमने डाला इसके अंदर एनएच, ये वहां तक प्रिपरेशन नोट कर लेने, एक बार नोट कर लिया वहां तक? यस सर। नोट कर लिया वहां तक, अब आगे नोट करना है। अब एक एक चीज ध्यान रखेंगे, ये बेंजाइन है, बेंजाइन ये अनस्टेबल है बहुत, ये बहुत अनस्टेबल है। ये क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल से, जैसे एक पी ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा पी ऑर्बिटल ये हो गया, और ये बॉन्डिंग हो गई, ये बन गया पाई बॉन्ड, ऐसे बनता है। लेकिन ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, ये बनाया एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल से। कैसे? ये ऐसे बनाया इस तरीके से, ये यहाँ पे एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे
एच है, यहाँ एच है, यही तो था बेंजीन। हर जगह ऐसे ही होगा ना, हर एक कार्बन पे ये ऐसे एच है, इसको मैंने हाइब्रिड ऑर्गनेज के थ्रू दिखा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ले गया, ये इलेक्ट्रॉन एक ले गया, ये इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ऐसे कर सकते हैं, या फिर हेटरोलेटिव फ्यूजन भी कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ हुई है, ये इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे बनता है पहले ये। ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एक किसके पास, एक इसके पास, दोनों ऑपोजिट स्पिन के होंगे। अब इनमें कुछ इस sp2 में और इस sp2 ऑर्बिटल में होती है कुछ रिपल्शंस, इसमें होती है कुछ रिपल्शंस, ये जो sp2 था ये इस तरह से था, ये इस तरह से था, और अब ये पैरेलल नहीं रहते, ये पैरेलल नहीं रहते और इस तरह से हो जाते हैं थोड़ा सा रिपल्शंस की वजह से, और इसलिए इनमें इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में बहुत पुअर ओवरलैपिंग होती है, इसमें बहुत पुअर ओवरलैपिंग होती है, और इस वजह से हम बोलते हैं कि बेंजाइन का जो पाई बॉन्ड बना है वो बहुत वीक है। इट इज नॉट नॉर्मल पाई बॉन्ड, इट इज फॉर्म फ्रॉम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है जो पी ऑर्बिटल से बनता है ऐसे, ये बनता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये किससे बनेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, जिसमें ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, रिपल्शंस की वजह से भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़े दूर चले जाते हैं तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाती प्रॉपरली, इसलिए ये बहुत ही वीक पाई बॉन्ड है, हाईली इनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन है एरोमेटिक। प्रिपरेशन मैंने इसकी बता दी है, अब इसकी रिएक्शन, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखो, नेक्स्ट प्रिपरेशन इसकी, एक प्रिपरेशन लाई मैंने क्लोरो बेंजीन में, NaOH डाला 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए, NaOH डाला 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेयर, और दूसरा तरीका है डाइल्यूट एसिटिल डाल दिया इसमें, ये आ गया फिनॉल, ये आ गया फिनॉल, ONA था, OH आया और फिनॉल आ गया, ये डाउस प्रोसेस है, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ये बेंजाइन मैकेनिज्म है, और बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या हुआ था, पहले बना था इससे बेंजाइन, तुम्हें याद होगा, तो क्या हुआ, एलिमिनेशन, पहले एलिमिनेशन हुआ, फिर इसमें NaOH दोबारा ऐड करेगा, ये बनेगा, और उसके बाद ये बना, तो पहले एलिमिनेशन हुआ, पहले एलिमिनेशन और फिर हुआ एडिशन, तो इस रिएक्शन का नाम है, और Cl माइनस हटा है, OH माइनस आया है, Cl माइनस हटा है, OH माइनस आया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही है, SN लिख देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही है, SN लिख देंगे, SN मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एलिमिन पहले हुआ फिर हुआ एडिशन, SNEA मैकेनिज्म का नाम, बेंजाइन मैकेनिज्म जो होंगे ना जनरली वो होंगे SNEA, SNEA, और एक आगे बताऊंगा एसिड डेरिवेटिव्स के मैकेनिज्म जो होते हैं वो SNAE होते हैं, पहले एडिशन होगा उसमें फिर एलिमिनेशन होगा, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन, जो एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन के होंगी उनमें मैकेनिज्म SNAE चलता है, इधर चलता है SNEA, डिफरेंट करेंगे, इसमें पहले क्या हुआ, इससे ये बना तो एलिमिनेशन हुआ और बाद में हुआ एडिशन, इसलिए बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन, इससे क्या बोलेंगे इसको, एलिमिनेशन एडिशन, क्लियर है कि नहीं है, नेक्स्ट वन करना, ये यस बता दिया। अब क्लोरोबेंजीन से मैंने फिनॉल बनाया, इसको बोलते हैं डॉट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन में NaOH, ये याद कर लेना जरूर, जिसने अभी तक नहीं किया हुआ ये जरूर याद कर लेना है, NaOH डाला 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेयर, सोडियम फिनॉक्साइड मिला, Na हटाना है, एच लगाना है, Na हटा के मेटल हटा के कभी भी एच लगाना है, डाइल्यूट HCl या H2OH+। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है क्लोरोबेंजीन है,
क्लोरोबेंजीन है, ये लिया, इसमें डाल दो NaNH2, लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, और ये डालता है यहाँ पे। वहां टेम्परेचर कितना था? 623 केल्विन, यहां टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। यहाँ इतने कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो रही है, सही ना? यहाँ पे इतने कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो रही है, ऐसा क्यों है? इतने कम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि NaNH2 NaOH से बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, NaNH2 जो है NaOH से बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए टेम्परेचर नेगेटिव में भी आता तो भी रिएक्शन हो जाती है। और फिर यहां से HCl बाहर निकलेगा, यहां से H इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो बेंजाइन मिल जाएगा। पहले पहले क्या मिल गया? बेंजाइन, और पहले बनना चाहिए था माइनस वाला, फिर Cl बाहर निकलता है, मैंने दोनों के साथ दिखा दिया है, बेंजाइन बनेगा। और इसके बाद इसमें डालोगे तो अमोनिया, अमोनिया को ऐसे लिख दो, अमोनिया NH2H, इसमें NH2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो तुमने इधर भेजे, तो NH2 माइनस ऊपर अटैक करेगा, एच इधर, और आंसर आ गया, ये आंसर ही आ जाएगा, एनिलीन। इन आंसर क्या आ जाएगा? एनिलीन। एक स्टेप में करें तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन डायरेक्ट बनेगा। ऐसे क्लोरोबेंजीन लिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला, एनिलीन डायरेक्ट बन गया। ये ध्यान लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, -30 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन एक तरीका, दूसरा तरीका ये भी याद कर लेना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, NH3+Cu2, ये दूसरा तरीका है, NH3+Cu2 डाल के ये जरूर करना है। बेंजाइन मैकेनिज्म है SNAES में भी Cl माइनस हट करके NH2 माइनस आ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और पहले हुआ एलिमिनेशन फिर हुआ एडिशन, तो SNEA मैकेनिज्म है ये, SNEA। तो ये था इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, Cl जहां से हटा वहीं पे NH2 लगा, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, DSP, या कई बुक्स में ऐसे भी लिखा है NSP लिखा है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जहां से Cl हटा वहीं पे NH2 आ गया है, तो बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और इलेक्ट्रॉन तो इधर भी जा सकते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे इस केस में, ध्यान देना, ये इधर भी जा सकते थे, इधर जाते तो एनिलीन बनता इस तरीके से, Cl हटा यहां से, साथ वाले पे NH2 आ रहा है, इधर आ गया ना NH2, तो उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, CSP। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्लियर है कि नहीं? ये सर एक बार साइन सब्स्टिट्यूशन रिपीट कर दो, जहां Cl है यहाँ पे आ जाए CSP, या यहाँ पे आ जाए NH2, यहाँ आ जाए NH2 या यहाँ आ जाए NH2, तो साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्लियर है? यस सर। तो DSP और CSP ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना? DSP और CSP मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया, इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। अब इसका एक बार जल्दी से मैं बता रहा हूँ, एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, तो इसमें क्या बने, कैसे बनेगा? देखो इधर रिएक्टेंट है, यहां पे ये, यहां रिएक्ट, इस पॉइंट पे क्या होंगे? रिएक्टेंट। इस पॉइंट पे क्या होगा? प्रोडक्ट। इस पॉइंट पे क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट यानी बेंजाइन, या सॉरी इस पॉइंट पे होगा इंटरमीडिएट, जैसे बेंजाइन। तो यहां पे आएगा क्लोरोबेंजीन,
प्लस एन एन एच टू लिक्विड अमोनिया एन एच टू माइनस। इस पॉइंट पे होगा बेंजाइन और इस पॉइंट पे होगा प्रोडक्ट यानी एनिलीन। इस पॉइंट पे होगा प्रोडक्ट यानी एनिलीन। अब इधर ये है टीएस वन और ये पॉइंट पे है टीएस टू। बेंजाइन बनता है स्लो स्टेप में, इसीलिए स्टेप स्लो, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी ज्यादा, ये स्लो स्टेप बनता है। यहां देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यहां एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्लियर है कि नहीं है, समझ आ गई कि नहीं है। अब टीएस वन में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन था, यहां पे क्लोरोबेंजीन एनएच टू माइनस था, यहां पे बेंजाइन है, यहां बेंजाइन है, तो स्लो स्टेप पे, स्लो स्टेप में बेंजाइन बन रहा है, यानी जो टीएस वन है उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, क्लोरोबेंजीन की भी होगी और बेंजाइन की भी, क्लोरोबेंजीन की भी होगी बेंजाइन की भी प्रॉपर्टी, जैसे ये टीएस वन में। ये है क्लोरोबेंजीन, बॉन्ड टूट रहा है, पार्शियल माइनस कह लो यहां पे आ गया, और यहां पे है H, इसका बॉन्ड टूट रहा है और इसको NH2 माइनस जो है लेके जा रहा है इधर से, मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा, ये इसको लेके जा रहा है यहां से NH2 माइनस, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये इस तरफ, ये है TS1 में, ये TS1 में और यहां बन रहा है बेंजाइन, ये TS1। और TS2 में जिसके अंदर एनिलीन की प्रॉपर्टीज भी होंगी और इस बेंजाइन की प्रॉपर्टीज भी होंगी, TS2 बेंजाइन है, बेंजाइन है बेंजाइन है ये, और यहां पे आएगा डॉट में, ये आ गया डॉट में आ जाएगा, और यहां पे NH2 आ रहा है पार्शियल नेगेटिव, यहां आ रहा है H, ये इस तरह से, ये TS2 है, समझ आ गया होगा इसके, नहीं है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन का मैकेनिज्म समझ आ गया, और उसमें दो टर्म जो यूज किए मैंने डीएसपी और सीएसपी, वो टर्म्स आनी चाहिए डीएसपी और सीएसपी, ये कर लेना जरूर ढंग से। नेक्स्ट सर, हाँ बोलो सर डीएसपी और सीएसपी वाले प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, नहीं कौन सा बनेगा दोनों वो ही बताना तुम्हें अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में जैसे ये दे दिया मैंने तुम्हें Cl, यहाँ है कार्बन 14, यहाँ कार्बन 14 है, अब मैंने डाला इसमें NH2 लिक्विड अमोनिया, ये आया NH2 एक बार यहां पे, एक बार NH2 यहां पे, एक बार NH2 यहां पे, और एक पॉसिबिलिटी और है, एक बार NH2 यहां पे, तुम्हें बताना तीनों की, तीनों प्रोड की परसेंटेज क्या होगी, तीनों प्रोड की, देखो इसका बेंजाइन यहां भी बचता है, एच यहां से हटा, ध्यान देंगे एच यहां से हटा और सीएल यहां से हटा, तो बेंजाइन बन गया, ये एक पॉसिबिलिटी है एच यहां से हट जाए, तो एक बेंजाइन बन जाएगा ये,
अब डाला लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया कैसे भी अटैक करता है, ये लिक्विड अमोनिया जो है वो कैसे भी अटैक करता है। ये इलेक्ट्रॉन गए इधर तो NH2 इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो NH2 इधर, ऐसे ही बेंजाइन जब ये बना, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो NH2 इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो NH2 इधर। क्लियर है कि नहीं? ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, सही ना? ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब तुम बताना है इन तीनों की परसेंटेज क्या होगी, कोई भी तुम में से। 50-25-25 किसने बोला आंसर, 50-25-25 किसने बोला आंसर? सर आयुष, आयुष ने दिया आंसर, और तुलना और कोई देखो, दो बंजाइन बनने हैं, एक ये NH2 यहां, ये स्टार वाला है, जब यहां पे है स्टार तो NH2 यहां पे भी आता है, इसे बोलेंगे डीएसपी। डीएसपी नहीं, डीएसपी बोलेंगे इसमें, इस केस में जब सीएल यहीं पे आए, यहीं NH2 आए, सीएल की जगह पे NH2 आ जाए, ये है डीएसपी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये है सीएसपी साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये है सीएसपी साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो जब यहाँ पे बेंजाइन है तो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो NH2 इधर, एक बार, और पॉसिबिलिटी इधर की भी है, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो NH2 इधर, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर गए तो NH2 इधर, बीच में बिल्कुल NH2, इस वाले केस में NH2 दो बार आया इसमें, ये वाली चीज दो बार बन रही है ना, ये दो बार बना कि नहीं? इस केस में भी बनेगा NH2 यहाँ पे, इस केस में भी बनेगा NH2 यहाँ पे, तो दो बार बना, बाकी दोनों एक एक बार बने, बाकी दोनों एक, मान लो ये इधर बना तो मान लो 50% ये बना, 50% ये बना, और अगर इधर है ट्रिपल बॉन्ड तब तब भी ये बनेगा 50%, एक बार तो बनेगा ना ये भी, और 50% ये बना, तो 200% हो गया ना टोटल, 50, 50, 100 और 100, 200, तो 100 में कितना होगा, ये 100 में कितना होगा, 50% ये होगा, 25 ये होगा, और 25 ये होगा। नहीं क्लियर हुआ? तीनों की परसेंटेज क्लियर हुई कि नहीं? यस सर, डाउट तो नहीं किसी को? इसमें बताएंगे जरा, परसेंटेज क्लियर होगी कैसे निकाली है? क्लियर है? चलो अब एक बार रिएक्शन तो बन जाए, नोट करना है टॉपिक, रिएक्शन तो बन जाए, एक बार रिज्वाइन कर लेंगे।